एंड दिस इज द सनस्क्रीन आई नो टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा एंड आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग एट ऑल ये सनस्क्रीन वाकई में बेस्ट है तो ये है जी वो सनस्क्रीन सनप्लेस के नेकवाइस पी एफ फिफ्टी पी ए प्लस 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 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन एंड आई थिंक आप में से काफी लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा इसके रिव्यूज आपने देखे हुए होंगे बट पर्सनली मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज किया अभी दैट इज वाई मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता था ये पाकिस्तान सनस्क्रीन है बट आई रिसली फाउंड आउट के यू नो इट्स अ जैपनीज सनस्क्रीन और ये एक जैपनीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी है रोटू फार्मास्यूटिकल्स और ये सनप्ले के नाम से उनकी रेंज है सनस्क्रीनस की काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं इसमें जेल्स भी होते हैं क्रीम फॉर्म में भी होती हैं स्टिक्स भी आई थिंक बट ये वाली जो ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में और आपको ईजिली मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती थी लेकिन अब एक प्रॉब्लम है आपको बता दूँ ये आपको काफ़ी जगह पे फेक मिल रही है अ फ्रेंड ऑफ माइंड बॉटेड फ्रॉम अ पेज आई थिंक काफ़ी पॉपुलर पेज है वो वहां से ऑर्डर की थी उसने तकरीबन तीन हज़ार की ली थी और वो फेक निकली वो काफ़ी टाइम से यही सनस्क्रीन यूज़ कर रही है तो उसको आइडिया था अंदर से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर था और उसकी पैकेजिंग भी चेंज थी लेकिन काफी अच्छी कॉपी बनाई हुई थी मतलब मैं देख के नहीं बता सकती थी कि वो फेक है खैर मैंने जो अपनी सनस्क्रीन ली है ये मैंने इस वेबसाइट से ली है अभिया डॉट पी के नाम से है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड कर रही हूँ काफ़ी ढूंढा था मैंने तब जाके मुझे ये एक वेबसाइट मिली जो फिर मैंने मंगवाई मैंने चेक की मैंने अपनी फ्रेंड को चेक कराई एंड शी सेट हाँ भाई औरिजनल ठीक प्रोडक्ट है तो यस आई कैन वाउच फॉर देयर ऑनेस्टी मतलब मेरी गारंटी है आप वहाँ से ले लो प्लस फ्री डिलीवरी थी तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो गई थी प्लस इसके प्राइजेस जो हैं काफी कम थे मतलब बाकी वेबसाइट्स और पेजेस पे तीन हजार की मिल रही है ये लेकिन ये जहाँ से मैंने लिए है वहाँ से मुझे ये ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ की मिल गई थी फ्री डिलीवरी चार्जेस तो ये सनस्क्रीन की बॉटल अंदर से आई नो क्वांटिटी कम है प्राइस ज़्यादा है लेकिन यार इसके बेनिफिट्स देखो अगर आप किसी को बोलो ना कि मुझे कोई ऐसी सनस्क्रीन रिकमेंड करो जिसमें वाइट कास्ट ना हो स्किन पर अच्छे से एबजॉर्ब हो बाद में हैवी फील ना कराए बिल्कुल वाटर बेस्ड उसकी कंसिस्टेंसी हो तो यकीन करो जो भी वो बताएंगे उसके प्राइस कम से कम भी आठ होंगे न्यूट्रो जिना की रिकमेंड करते हैं मोस्टली लोग और उसके प्राइस भी सात हज़ार चल रहे हैं तो आई गेस सबसे कम प्राइस में आपको बेहतरीन जो सनस्क्रीन मिलेगी ना वो यही है जिसमें वाकई में जीरो वाइट कास्ट है ये वाटर बेस्ड है बिल्कुल सिरम की तरह फील होती है ऐसी कंसिस्टेंसी आपको मैं हाथ पर निकाल के दिखा भी रही हूँ आप देखो कितनी लाइट कंसिस्टेंसी है कितना लाइट टेक्स्चरस का और ये स्वेट प्रूफ है और आराम से आपकी स्किन में फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाती है वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल ऐसी सनस्क्रीन ही है कि लगाने के बाद आपका फेस आपकी स्किन जो है ग्रे लगेगी प्लस आपको री करने में काफ़ी इजी होता है इससे क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है अगर आपने ऑलरेडी मेकअप लगाया हुआ है या टेंट वगैरह लगाया हुआ है तो खराब नहीं होता है एंड सबसे अच्छी बात अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जितना टाइम मैंने इसको टेस्ट किया ना यकीन करो मुझे टैन नहीं हुआ है हालांकि मैं धूप में इतनी बार गई हूँ प्लस इस सनस्क्रीन को रिकमेंड करने वाले और अप्रिशिएट करने वाले ढेरों लोग हैं आप किसी भी ब्लॉगर किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख लो ना वो हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे आई रिमेंबर मैंने एक डेढ़ साल पहले जो उरूज हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं उनकी मैंने स्क्रीन शॉट लेके रखे थे स्टोरीज पे वो रिकमेंड रही थी ऐसे ही काफ़ी सारे और ब्लॉगर्स हैं जो उसको रिकमेंड करते हैं काफ़ी पसंद है पर्सनली मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो कि इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हैं एंड दे टोटली टोटली लव्ड इट आई थिंक सबसे लेट मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया यह हालांकि काफ़ी फेमस है काफ़ी टाइम से लेकिन आई एम ग्लैड दे रहा है दुरुस्त आए स्टार्ट तो कर दिया एंड नाउ इट हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट सन बेस्ट बात सारे स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन हो कॉम्बिनेशन हो ड्राई हो या फिर सेंसिटिव हो एक्नी प्रॉन् स्किन थोड़ा सा शायद एवॉइड करें क्योंकि उसमें अल्कोहल है थोड़ा सा लेकिन बाकी स्किन टैप्स के लिए रिकमेंडेड है प्लस इट हैज हायरोनिक एसिड तो आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट भी रखता है अच्छा इंग्रेडिएंट्स में इसके यूवी फिल्टर्स की बात करें तो उसमें चार यूवी फिल्टर्स हैं तीन जो हैं केमिकल फ़िल्टर्स हैं एक जो मेन वाला है दैट इज़ ऑक्टिनॉक्सेड और बाकी तीन भी जो केमिकल फ़िल्टर्स हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि आपके स्किन को हार्मफुल सनरेज से काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी है इसका जो फॉमूला है जो टेक्सचर है ना मतलब बहुत अच्छा है सच में बहुत अच्छा है लोशन लाइक like है वाटर बेस्ड है सिरम लाइक like है ईजिली स्किन में गायब हो जाता है पता ही नहीं लगता मतलब इट इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन जो कि मैंने अभी तक यूज़ किया ना सो यस इट इज़ महानूर अप्रूव्ड मेरी तरफ से रिकमेंडेड है यूज़ करने का तरीका जैसे सनस्क्रीन से आप यूज़ करते हो अपनी मॉर्निंग स्किन के रूटीन करना फेस वॉश टोनर सिरम्स और मॉइस्चराइजर उसके बाद आपने ये सनस्क्रीन लगानी है और थ्री फिंगर रूल यूज़ करना इस तरह से तीन उंगलियों पर गिरा के अपने फेस और नेक पे लगा लेना और धूप में जाने से 10-15 मिनट पहले यूज़ करना होता है ताकि आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर जाए और अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और जहाँ से मैंने बाई किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ दिस इज द वेबसाइट एंड येस दैट वॉज इट फो टू डेज वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफ़